मेरा नाम है मोहम्मद एहसान। मैं ज़्यादातर स्टैचू बनता हूँ, मैं कराची से आया हूँ। इधर मैं स्टैचू बनता हूँ F7 में। यहाँ से पुलिस वाले मुझे मना कर रहे हैं कि नहीं बनना है, आपने इस जगह पे नहीं खड़ा होना। मैं क्या करूँ अभी, यही मैं करता हूँ, यही मेरी रोटी। अगर ये ना करूँ इससे अच्छा, यही तो हमारा मसला है। कोई अच्छा काम कर रहा है उसको करने नहीं देते, फिर बंदा चोरी पे लग गया। अभी मेरी उम्र है क्या 18 साल उम्र है, अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ, इज्जत की मेहनत कर रहा हूँ, किसी से मांग रहा नहीं, किसी से कुछ कर रहा नहीं, अपनी मेहनत कर रहा हूँ। अगर उनको अच्छा नहीं लगता फिर मैं चोरियाँ करूँगा या नशे वशे पे लग जाऊँगा, तो अच्छी बात नहीं है ना। मैं अपने इधर काम पे खड़ा था, आता है तो पुलिस वाले आए, उन लोगों ने अपने गलत लहजे से मेरे को बोला भाई यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पे नजर नहीं आना अगली बार। फिर इसके बाद दूसरे सीडिया वाले आए, कह रहे हैं आपके पास परमिट है। मैंने बोला सर में इस चीज़ का भी परमिट होता है? कह रहे हैं हाँ 5-6 हज़ार का परमिट बनता है, वो आपके पास होगा तो फिर आप खड़े हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं। फिर आज मैं घर से पहले, सबसे पहले मैं गया इधर अपने सीडी ऑफिस गया, सीडी ऑफिस जाके उधर जा, उन लोगों ने बोला DM में चले जाएं। DM में मैं गया, वो कहते हैं इस चीज़ का परमिट नहीं होता। फिर मैं उधर से थाने गया, थाने से इजाजत लेने गया, थाने वाले भी कह रहे हैं भाई हम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। थाने वालों ने फिर बोले DC ऑफिस चले जाएं। अभी फिर मैं DC ऑफिस आया, मेरी कोई हेल्प करे। पुलिस वाले कह रहे हैं यहाँ से चले जाएं, अपने गलत लहजे से कह रहे हैं चले जाएं। इस तरह तो नहीं होता, अभी अब मना करना होते इस तरीके से होता है भैया आप इधर नहीं खड़े हो सकते, आपको इजाज़त नहीं है। उनका लहजा ही ऐसा अलग था, अब आप खुद ही जानते हैं किस तरह वो बात करते हैं। मेरे को सिर्फ इजाज़त दी जाए, मैं किसी से इल्लीगल काम नहीं कर रहा, अपनी मेहनत कर रहा हूँ। अगर मेहनत नहीं करने देते फिर हमारे जैसे नौजवान जो होते हैं वो चोरी पे लग जाते हैं, चकारी पे लग जाते हैं, ये बात तो अच्छी नहीं है ना। अपनी मेहनत ही बंदा ना करे तो फिर यही कर सकता है, किसी की चोरी हो जाए, किसी को चोट पहुँचाए, किसी को मुश्किल में डाले। अब इज्जत की मैं इज्जत की रोटी का क्या बचता है, 1000 रुपये बचते हैं वो भी नहीं कमाने देते, फिर बंदा क्या कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो यही एक ही रास्ता है, नशे पे जाएं या चोरी पे जाएं। मेरे या कोई परमिट दे दें, कोई इजाज़त दे दें। अभी मैं सुबह से मैं इस यहाँ से अभी DC ऑफ, मेरा नाम है मोहम्मद एहसान। मैं ज़्यादातर स्टैचू बनता हूँ, मैं कराची से आया हूँ। इधर मैं स्टैचू बनता हूँ F7 में। यहाँ से पुलिस वाले मुझे मना कर रहे हैं कि नहीं बनना है, आपने इस जगह पे नहीं खड़ा होना। मैं क्या करूँ अभी, यही मैं करता हूँ, यही मेरी रोटी। अगर ये ना करूँ इससे अच्छा, यही तो हमारा मसला है। कोई अच्छा काम कर रहा है उसको करने नहीं देते, फिर बंदा चोरी पे लग गया। अभी मेरी उम्र है क्या 18 साल उम्र है, अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ, इज्जत की मेहनत कर रहा हूँ, किसी से मांग रहा नहीं, किसी से कुछ कर रहा नहीं, अपनी मेहनत कर रहा हूँ। अगर उनको अच्छा नहीं लगता फिर मैं चोरियाँ करूँगा या नशे वशे पे लग जाऊँगा, तो अच्छी बात नहीं है ना। मैं अपने इधर काम पे खड़ा था, आता है तो पुलिस वाले आए, उन लोगों ने अपने गलत लहजे से मेरे को बोला भाई यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पे नजर नहीं आना अगली बार। फिर इसके बाद दूसरे सीडिया वाले आए, कह रहे हैं आपके पास परमिट है? मैंने बोला सर में इस चीज़ का भी परमिट होता है? कह रहे हैं हाँ 5-6 हज़ार का परमिट बनता है, वो आपके पास होगा तो फिर आप खड़े हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं। फिर आज मैं घर से पहले, सबसे पहले मैं गया इधर अपने सीडी ऑफिस गया, सीडी ऑफिस जाके उधर जा, उन लोगों ने बोला DM में चले जाएं। DM में मैं गया, वो कहते हैं इस चीज़ का परमिट नहीं होता। फिर मैं उधर से थाने गया, थाने से इजाज़त लेने गया, थाने वाले भी कह रहे हैं भाई हम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। थाने वालों ने फिर बोले DC ऑफिस चले जाएं। अभी फिर मैं DC ऑफिस आया, मेरी कोई हेल्प करे। पुलिस वाले कह रहे हैं यहाँ से चले जाएं, अपने गलत लहजे से कह रहे हैं चले जाएं। इस तरह तो नहीं होता, अभी अब मना करना होते इस तरीके से होता है भैया आप इधर नहीं खड़े हो सकते, आपको इजाज़त नहीं है। उनका लहजा ही ऐसा अलग था, अब आप खुद ही जानते हैं किस तरह वो बात करता है। मेरे को सिर्फ इजाज़त दी जाए, मैं किसी से इल्लीगल काम नहीं कर रहा, अपनी मेहनत कर रहा हूँ। अगर मेहनत नहीं करने देते फिर हमारे जैसे नौजवान जो होते हैं वो चोरी पे लग जाते हैं, चकारी पे लग जाते हैं, ये बात तो अच्छी नहीं है ना। अपनी मेहनत ही बंदा ना करे तो फिर यही कर सकता है, किसी की चोरी हो जाए, किसी को चोट पहुँचाए, किसी को मुश्किल में डाले। अभी इज्जत की मैं इज्जत की रोटी का क्या बचता है, 1000 रुपये बचते हैं वो भी नहीं कमाने देते, फिर बंदा क्या कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो यही एक ही रास्ता है, नशे पे जाएं या चोरी पे जाएं। मेरे या कोई परमिट दे दें, कोई इजाज़त दे दें। अभी मैं सुबह से मैं इस यहाँ से अभी DC ऑफिस